Hello dear students, now I am going to start class 4th mathematics Prachi publication. It is chapter number 30, unitary method. Unitary method में पहले मैं आपको two examples बताने वाली हूँ. First example आपके सामने screen पे है. Suppose if one pen costs rupees 8, find the cost of 6 such pens. अगर हमें one pen का price दिया है और 6 pens का price निकाला है, तो हम 8 में 6 से multiply करेंगे. 8 6 जा 48. इस तरह से जब भी हमें वन क्वांटिटी दी है और मेनी क्वांटिटीज़ निकालनी है तो हमें क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई. सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम इज इफ़ द कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल्स इज़ 24, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल्स. इसमें 12 पेंसिल्स की प्राइस हमें गिवन है, 12 पेंसिल्स की प्राइस है 24. हमें वन पेंसिल की प्राइस निकालनी पड़ेगी पहले. जब हमें मेनी से वन की प्राइस निकालना होती है तो हम दोनों क्वांटिटीज़ को डिवाइड करेंगे. 24 डिवाइडेड बाय 12 2, और वन पेंसिल का प्राइस 2 है, तो 8 पेंसिल्स का प्राइस निकालने के लिए वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1 में जिस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया था उस तरह से हम 2 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे. हमें आंसर मिल जाता है 16. इसी प्रोसेस को आपको ध्यान रखना है. अगर ये दो एग्जांपल आपने अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लिया, पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. हमारी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है. द कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स इज रुपीज 40, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स. फर्स्ट क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे. कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स इज इक्वल टू रुपीज 40. सबसे पहले वन बॉल की प्राइस निकालनी है हमें, कॉस्ट ऑफ वन बॉल. मैंने आपको अभी बताया था जब मेनी से वन हमें फाइंड करना है तो हम दोनों क्वांटिटीज़ को डिवाइड करेंगे. 40 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 5 8 40. अब हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स. 3 बॉल्स की निकालनी है हमें क्वांटिटी. वन बॉल का हमें प्राइस पता है, 3 बॉल का प्राइस निकालना है तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे. हमें आंसर मिलेगा 3 8 24 रुपीज़. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी CW में सॉल्व कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ मुकेश कैन वॉक 36 किलोमीटर इन 12 आवर्स. हाउ फॉर कैन ही वॉक इन 6 आवर्स. 12 आवर्स में अगर 36 किलोमीटर वॉक कर सकता है मुकेश, तो 6 आवर्स में कितनी वॉक कर पाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें 12 आवर्स की वैल्यू दी है. 12 आवर्स इन 12 आवर्स ही कैन वॉक 5 is rent of a house for a year is rupees 6000, find the rent of 4 months. यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हमें 1 ईयर का प्राइस गिवन है. 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स का प्राइस गिवन है. यहाँ से हमें 4 मंथ्स की प्राइस निकालनी है. रेंट फॉर 12 मंथ्स इज इक्वल टू रुपीज 6000. रेंट फॉर 1 मंथ 6000 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, आपको मिलेगा 500.
12 5 60 00 500। फिर हम फाइंड करेंगे रेंट फॉर 4 मंथ्स। ये जो 1 मंथ का है प्राइस, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0 0 4 0 0 0 4 5 20 2000 रुपीज़ आपको अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा।